बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतु मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मौज़ूज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द अंसारिया। ख़वातीन हज़रात, क्योंकि रमज़ान का महीना और बरकतों वाला महीना है और जो अशरा रहमत चल रहा है, अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है आसानियां पैदा फरमाए और हमारे जो रोज़े हैं अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ख़वातीन हज़रात, आज के जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे नमाज में जो है वो बड़ा ही एक यूज़फुल होता है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि दो सूरतों के हवाले से कुरान करीम की, वो क्या है कि सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत के हवाले से। कि देखें, ये पूरा कुरान जो है मतलब एक बहुत कहें उसको पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा सवाब है। आप कुरान के किसी भी हिस्से से पढ़ें, आपको उसमें बेशुमार जो हैं अल्लाह ताला के अहकामात मिलते हैं और कई ऐसे जो है इनामात का जिक्र किया गया है और कई ऐसे किस्से कहानियां भी जो हैं बताई गई हैं जिनको पढ़कर जो है हमें इबरत हासिल करने चाहिए। कई ऐसे जो है ज़िंदगी, एक मुसलमान की ज़िंदगी गुजारने के उसूल इसमें हैं जिसमें अगर एक मुसलमान जो है उसको फॉलो करे तो यकीनन उसकी ज़िंदगी में जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ मेरे को, एक सच्चा मुसलमान जो है वो बन सकता है अगर उस पर अमल करे और अल्लाह ताला के का ज़्यादा वो महबूब बंदा भी बन सकता है। तो आज हम इसी दो सूरतें जो हैं कुरान करीम की, सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बारे में हम इसमें देखेंगे कि देखें पूरा कुरान जो है हमारे लिए एक नुस्खा है जिससे हमें क्या करना चाहिए, हमें रहनुमाई हासिल करनी चाहिए और इसमें जो है बेशुमार हमें इसको बाकायदा रोज़ाना तो इसको हमें पढ़ना चाहिए, इसको तर्जुमे के साथ की तफसीर के साथ के कुरान को आप देखें समझें कि कुरान क्या कह रहा है। जो जो बातें हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ये नाज़िल की गई है ये किताब और इसमें अल्लाह ताला की सारे अहकाम हैं। तो चलिए देखते हैं कि देखें कुरान करीम की तिलावत के जिस हिस्से भी कहीं से भी करें तो आप तो उसमें जो है वो सवाब ही सवाब होता है। लेकिन क्या है कि बाज़ सूरतों के ख़ास ख़ास जो हैं वो फ़ज़ाइल होती हैं जैसे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। अब देखें कि मुख्तसर सूरतों में जो सबसे ज़्यादा जो फ़ज़ाइल हैं वो सूरह फातिहा और सूरह इखलास के हैं। यानी कि सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो कुरान करीम की जस्ट पहली सूरत है और जो सूरह इखलास जो कुरान करीम की जो थर्ड लास्ट सूरत है, सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद वाला जो सूरत है वो वाली सूरत की बात कर रहा हूँ, वो सूरह इखलास है जिसके बारे में जो है बयान किए गए हैं। बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं और बहुत सी क्या है कि हदीसों में भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसकी फजीलत में सूरह इखलास को एक तहाई कुरान के बराबर करार दिया है। सुभान अल्लाह, देखें इस सूरह इखलास की किस कदर अहमियत है और सूरह फातिहा इसके आप यकीन करें कि इसमें जो है एक किस्म की दुआ भी है और आप देखें कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो उसमें भी जो है आपको सूरह फातिहा वो लाजमी पढ़नी होती है। तो सूरह फातिहा क्या देखें किस कदर अहमियत है कि नमाज में पढ़ी जाती है। इसके अलावा वैसे भी आप अगर इसको पढ़ें तो इसके यकीनन जो है कई ऐसे फ़ायदे हैं, उसके सवाब भी जो है आपको मिलता है। इस तरह सूरह इखलास है ये ख़ासकर जो है ये उन लोगों के लिए जो है जो शिर्क करते हैं यानी अल्लाह ताला को ज़ियारुल्लाह के साथ जो जोड़ते हैं या शिर्क करते हैं शरीक करते हैं ये उनके लिए जो है वो ये सूरत है। ख़ास करके कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद यानी क्या होगा यानी अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है और ना ही उसका कोई हमसर है। तो ये वाज़ह बातें हैं। तो ये दोनों सूरतें जो हैं कई ऐसे फ़ज़ाइल के हामिल हैं और ख़ासकर जैसे कि आपने देखा कि सूरह फातिहा जो है नमाज में भी जो है वो पढ़ी जाती है और सूरह इखलास भी जो है वो कभी किसी नमाज में अगर पढ़ ली जाती है या कोई और सूरत भी पढ़ी जा सकती है, सूरह इखलास को भी पढ़ा जा सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें इसकी कितनी फजीलत बयान की है कि सूरह इखलास को जो है वो एक तहाई कुरान के बराबर करार दे दिया है। खुद सोचें कि इसकी कितनी अहमियत है। देखें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मतलब क्या हुआ कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से इरशाद फरमाया कि जमा हो जाओ कि मैं तुम्हारे सामने एक तहाई कुरान की तिलावत करूँगा। अब इस पर क्या हुआ कि कुछ हज़रात सहाबा जो थे नज़ीर अलून जो जमा हो गए
तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ ले गए और लाए, और क्या हुआ कि उन्होंने सूरह इख़लास की तिलावत की, कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ कर क्या हुआ अंदर तशरीफ़ ले गए, और फिर थोड़ी देर बाद जो है बाहर तशरीफ़ जो है वो लेकर आए और फिर फरमाया कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे सामने एक तहाई कुरान पढ़ूँगा। याद रखो ये सूरत यानी सूरह इख़लास एक तहाई कुरान के बराबर है। ये मुस्लिम और तर्मिज़ी की रवायत के मुताबिक है। देखें कि सूरह इख़लास की किस कदर की जो है इम्पोर्टेंस है, एक तहाई कुरान के बराबर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जो है बयान किया है। इसी तरह के हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक मतलब क्या हुआ कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से ख़िताब करते हुए फरमाया कि क्या तुम में से कोई एक रात में एक तहाई कुरान की तिलावत नहीं कर सकता। तो इस पर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने जो है वो अर्ज़ किया कि एक शख्स एक रात में तहाई कुरान की तिलावत कैसे करेगा। अब उन्हें मालूम नहीं था, तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद एक तहाई कुरान के बराबर है। ये सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें ये जो रवायत की गई है कि सूरह इख़लास की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि सहाबा किराम को कहा गया कि क्या आप में से कोई ऐसा जो है वो कुरान की एक तहाई कुरान की तिलावत कर सके। तो ये उन्होंने हैरान होकर पूछा कि एक रात में कैसे करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही सूरह इख़लास के जो है आप पढ़ें, क्योंकि इसका सवाब जो है वो एक तहाई कुरान के बराबर है। तो इसीलिए क्या है कि बाज़ बुज़ुर्गों का जो है मामूल है कि मुर्दों को एसाले सवाब के लिए तीन मरतबा सूरह इख़लास पढ़ते हैं और उसे सवाब जो है वो मुर्दे को पहुंचा देते हैं। तो इसके अलावा सूरह इख़लास तो है, हम और भी सूरह पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पे जैसे कि बताया गया कि इसको जो है एक तहाई कुरान के दर्जे की तिलावत के दर्जा जो है वो दिया गया है, इसीलिए जो है कि अक्सर मुर्दों को एहसाल सवाब किया जाए। या बाज़त एहसाल सवाब अगर आप करते हैं अपने अजीज़ों अकारिब को, तो क्या है कि यानी कि जो लोग आपके ज़िंदगी से जो जा चुके हों, आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी दोस्त अहबाब हो सकता है, तो आपको एहसाल सवाब करना है और आपके पास टाइम भी कम है, तो आप मुख्तसर अगर आप तीन मरतबा जो है सूरह इख़लास पढ़कर भी जो है एहसाले सवाब कर देते तो इसके भी बड़े जो है वो सवाब का काम है और एहसाले सवाब भी हो जाता है। तो इसके अलावा सूरह फातिहा को कहें तो देखें, तो सूरह फातिहा कुरान करीम की जो है वो आगाज़ है, इसकी जो सबसे पहली सूरत है वो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा जो है आप अगर किसी भी मतलब आप ख़ुद भी पढ़ते रहें तो आप इंशाल्लाह आप में बहुत बरकतें आप देखेंगे, महसूस करेंगे, और आप देखेंगे जब भी नमाज़ भी अगर कोई पढ़ते हैं तो उसमें जो है सूरह फातिहा के बग़ैर जो है वो नमाज़ नहीं होती, और सूरह फातिहा को पढ़ना लाजिम है। और सूरह फातिहा को आप वैसे भी जो है पढ़ कर अगर आप किसी पर बच्चे पर या किसी भी माँ पर दम भी करते तो इससे भी कहीं आप जो है वो क्या उसे राहत मिलती है। तो ये दोनों सूरतें जो हैं कुरान करीम की बहुत अहमियत की हामिल हैं। तो आप क्या है कि आप ज़िक्र अज़कार में जैसे कभी सूरह फातिहा भी पढ़ लें, कभी सूरह इख़लास भी करें, इसके अलावा और ज़िक्र अज़कार भी करें। याद रखें कि इनको आप ज़बानी जो है आप याद करें, क्योंकि ज़बानी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि सूरह फातिहा जो है वो आपको जो नमाज़ के लिए जो है पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सूरह इख़लास है, आप खुद देखेंगे सूरह इख़लास में जो है अल्लाह ताला की वहदानियत को ज़ाहिर करता है, और जो लोग शिर्क करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है ये पैगाम है कुरान मजीद में इस सूरत का, और इसका सवाब जो है वो एक तहाई कुरान के बराबर है। तो इस चीज़ से आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाएँ कि किस कदर अहमियत है कुरान करीम की, पूरे कुरान की जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है। और ये सूरतें हैं दो, सूरह फातिहा और सूरह इख़लास, इसकी जो तिलावत आप करें तो इसका यकीनन इसके करियर से फ़ज़ाइल हैं और आपको इसका जो है वो सवाब भी मिलता रहेगा। बाकी इस हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे डिफरेंट इस्लामिक कॉन्टेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर एक बार विज़िट करके आप वहाँ पर कई ऐसे इस्लामिक वीडियोज़ और अहदीस की वीडियोज़ देख कर उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कहना जाते जाते ये कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दिया इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलेगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं आपसे नई टॉप वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हम याद रखेगा। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।